ड्राइवर साइड डोर को सबसे पहले ओपन करके देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही एक तो बढ़िया इंटीरियर का फिनिश क्रोम डोर हैंडल्स के साथ। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको ये मिलेगा और यहाँ पे आप इसके पावर विंडोज को कंट्रोल कर सकते हैं। वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडोज हैं, वन टच डाउन फंक्शन के साथ। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है आपको वन लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी का एक अम्ब्रेला होल्डर तो यहाँ है, बाकी आप बॉटल होल्डर वगैरह भी यहाँ ज़रूर आप रख सकते हैं और विद सम एक्सटर्नल स्पेस। ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया फैब्रिक अपॉस्टिक का वर्क आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो आ चुके हैं द ऑल न्यू नेक्सॉन के इंटीरियर्स में। दोस्तों आपको बता दूँ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको ऑफर की जाती है और अपनी मैक्सिमम हाइट लेवल पे मैं बैठा हूँ तो बहुत ही बढ़िया मुझे बोनेट का व्यू आ रहा है यहाँ पे। इंटीरियर्स को ऑन करते हैं, सबसे पहले आप MID की तरफ जाएं तो आपको बहुत ही कूल MID देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस क्लच, ये मैनुअल वर्जन है जो आप देख पा रहे हैं विद गुड अमाउंट ऑफ गियर शिफ्टिंग्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स ड्राइव, इको इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तीनों मोड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, इको, स्पोर्ट एंड सिटी। बाकी आप MID की तरफ जाएं तो डिजिटल स्पीडोमीटर विद एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, ओडोमीटर वगैरह सब मिल जाएगा। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले का भी ऑप्शन है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं। RPM मीटर आपको इस साइड मिलेगा, इंजन टेम्परेचर इस साइड है। और इसके अगर DRLs को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप इधर से इसके DRLs को ऑफ कर सकते हैं ज़रूर। इसके लाइट से आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं होम पे जाके। ऑडियो सेटअप, पार्क असिस्ट, फोन सेटअप, सेटिंग्स, व्हीकल सेटअप, पार्क असिस्ट, लाइटनिंग, DRL को ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप। तो बस जैसे ही हम इसका ग्लो बॉक्स ओपन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया साइज का ग्लो बॉक्स आप देख सकते हो अलॉन्ग विद द लाइट, मेक इन इंडिया की बैजिंग विद अ पेन होल्डर एंड दो कप होल्डर्स। और इंटीरियर का जो फिनिश है ये टॉप एंड का काफ़ी अच्छा है। XZ प्लस मॉडल है ये जो आपके ठीक सामने है, नेक्सॉन की बैजिंग बीच में है। डुअल टोन का फिनिश है यहाँ पे, बहुत ही ग्लॉसी फिनिश, क्रिस क्रॉस। और सीट्स की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पे। रूफ लाइट की भी ज़रूर बात करते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रूफ लाइट है यहाँ पे। और स्टोरेज कैपेसिटी, एक बहुत ही बढ़िया कप होल्डर है, एक लंबा सा आपको बढ़िया सा आर्मरेस्ट है। तो बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव आपकी अब यहाँ पे होने वाली है इस नेक्सॉन में। और ऑटोमेटिक एसी विद एक्सप्रेस कूलिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ पे बटन होते हैं एक्सप्रेस कूलिंग के। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आउटपुट चार्जर विद USB पोर्ट, ऑक्स का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ना ऑक्स का बटन यहाँ पे होना चाहिए था। ऑटोमेटिक एसी आता है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नेक्सॉन XZ प्लस के इंटीरियर्स हैं। बाकी वैनिटी मिरर आपको पैसेंजर साइड मिलेगा बट ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ स्पेस, माइक्रोफोन। बैक जाते हैं और पार्किंग कैमरे की क्वालिटी देखते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसी क्वालिटी का आपको पार्किंग कैमरा मिलता है यहाँ पे विद पार्किंग गाइडलाइंस। पीछे हमारे जस्ट पीछे बैनर तो इसलिए वो काफ़ी अच्छी आवाज़ कर रहा है। तो ये है द ऑल न्यू ओवरऑल नेक्सॉन के टॉप एंड के इंटीरियर्स। होपफुली आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। इस गाड़ी में एक पीछे भी इनको रूफ लाइट ज़रूर देनी चाहिए जैसे आगे दे रखी है, बस इस चीज़ की कमी है यहाँ पे। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल जो फिनिश है बहुत ही प्रीमियम लगता है कुल मिला के। ग्रैब हैंडल्स भी आपको फोल्डिंग वाले मिलते हैं यहाँ पे। चलते हैं रियर सीट्स की तरफ।